I've seen it in his eyes. So he is terrified of the next speech that is going to come and they don't want that speech to be in parliament. दोस्तों कुछ इस तरह से आज अपनी छोटी ही लेकिन सदी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना केवल मोदी बल्कि मीडिया को भी कैसे हाड़े हाथ लिया राहुल गांधी ने, ये इस वीडियो में आगे हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों राहुल गांधी ने एक बार नहीं बार बार मीडिया को एक्सपोज किया और यहाँ पर मीडिया को बार बार इसलिए भी राहुल गांधी ने एक्सपोज किया क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम, खास तौर पर पिछले एक हफ्ते का घटनाक्रम अगर आप देखेंगे तो मीडिया ने वही किया जो बीजेपी ने किया। जो भाषा बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं वही मीडिया के कुछ चैनल्स भी बोलते हैं। खास तौर पर राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद तमाम न्यूज चैनल्स बीजेपी की भाषा बोलते हुए बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया। ओबीसी का अपमान किया, यही वो बात है जो बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी करके ओबीसी का अपमान किया। और यही सवाल जब रिपोर्टर ने राहुल गांधी से पूछा तो राहुल गांधी भड़क गए। एक पत्रकार के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, भैया देखिए पहले आपका एक अटेम्प्ट यहां से आया, दूसरा वहां से आया, डायरेक्टली बीजेपी के लिए काम क्यों कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन करो यार, थोड़े घूम घमा कर पूछो, आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हो, अगर आप बीजेपी के लिए काम करना चाहते हो तो उसका झंडा, उसका सिंबल छाती पर लगा लो, फिर मैं उसी तरह जवाब दूंगा। पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी हाँ, तो प्लीज प्लीज इफ यू वॉन्ट टू वर्क फॉर द बीजेपी देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग सिंबल हियर एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट। Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. दोस्तों इतना ही नहीं, राहुल गांधी आज अच्छे से तैयारी कर आए थे। उन्होंने जो आज मीडिया को एक्सपोज किया, राहुल गांधी ने कहा कि आज के हिंदुस्तान में पार्टियों को मीडिया और बाकी संस्थाओं से जो सपोर्ट मिलता था वह अब नहीं मिलता है। मोदी सरनेम पर सजा मिलने के सवाल पर राहुल ने कहा, यह ओबीसी का मामला नहीं है, यह मोदी जी और अडानी के रिश्ते का मुद्दा है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, चाहे मुझे जेल में डाले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी तपस्या करनी है, मुझे इसलिए डिस्क्वालीफाई किया गया कि प्रधानमंत्री मेरी अगली स्पीच से डरते हैं, वह मेरे अगले भाषण से डर रहे थे जो अडानी पर होने वाला था, मैंने यह उनकी आंखों में देखा है, तो वह मेरे अगले भाषण से घबराए हुए थे, वह नहीं चाहते थे कि संसद में मेरा अगला भाषण हो। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come and they don't want that speech to be in. तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों राहुल गांधी की चुनिंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक गिनी जाएगी जिसे राहुल गांधी ने बहुत तैयारी के साथ संबोधित किया। जाहिर तौर पर संसद की सदस्यता जाने पर राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन खुद उन्होंने कहा कि ये झटका देकर बीजेपी ने उन्हें गिफ्ट दे दिया है। पैनिक में लिया गया बीजेपी का ये फैसला उनके लिए वरदान है क्योंकि वो अब देश के लोगों के बीच जाएंगे वैसे ही जैसे वो पहले जा रहे थे। अब वो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बार बार अडानी को लेकर जो तीखे सवाल मोदी सरकार से पूछे जिसे मीडिया अब तक पूछने से डर रही थी। दोस्तों राहुल गांधी को भटकाने की बहुत कोशिश की गई पर राहुल गांधी बार बार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी और अडानी को लेकर सवाल पूछते रहे। ये सवाल पूछते रहे कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कैसे आया, कहां से आया, ये पैसे किसके हैं, आखिर फोर ऑफ द हाउस में मोदी सरकार के मंत्री ने कैसे मुझ पर झूठ बोला, मैं स्पीकर के पास गया, मैंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि मुझे जवाब देने का मौका मिले, लेकिन मौका नहीं मिला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूंगा, मैं नहीं डरता।
तो अपने ही संसद की सदस्यता जाने के लिए राजनीतिक तौर पर न केवल मोदी सरकार पर निशाना साधा पूरी तैयारी के साथ, बल्कि इस बार मीडिया को भी कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा कि अब आप प्रेस के नाम पर या मीडिया के नाम का मुखौटा मत पहनिए, सीधे बीजेपी का सिंबल ही लगा लीजिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।